नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक मूर्ति चौक के पास सहावेरी क्षेत्र है, छिपियाना बुजुर्ग है, और इसी तरह यहाँ के नजदीक ही गाजियाबाद जिले का डूंडा हेड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या कोई प्रॉपर्टी लेना विधिक रूप से सही है या नहीं सही है, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सहावेरी गांव है और छिपियाना बुजुर्ग जो गांव है, ये दोनों गांव गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अब तीसरे गांव के बारे में बात करेंगे, वो है डूंडा हेड़ा। डूंडा हेड़ा गाजियाबाद जिले का गांव है और ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी लेना क्या विधिक रूप से ठीक है, लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इस बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो दोस्तों, इस संबंध में सहावेरी क्षेत्र के एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने वहां प्लॉट लेने की कोशिश करी, कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज भी की है और इस परचेज करने की प्रक्रिया में वो बिल्डर के हाथों किस तरह फंस गए हैं, ये मैं अपने सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप भी अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इस तरह की क्रिया से जो बिल्डर आपको झूठ बोल के या आपकी जानकारी के अभाव में आपको ब्लैकमेल करके फंसा लेते हैं, आपके पैसे ठग लेते हैं, उस क्रिया से आप बच सकें तो इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा। हम अब आपके सामने ऑडियो रख रहे हैं जो हमारे एक दर्शक ने भेजा है, जो सहावेरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित है और डिटेल में इस ऑडियो में उन्होंने बताया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस ऑडियो के खत्म होने के बाद वीडियो के लास्ट में मैं इन तीनों क्षेत्रों के बारे में डिटेल से अपना विचार रखूंगा कि विधिक स्थिति इन क्षेत्रों में प्लॉट लेने की या फ्लैट लेने की क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें कौन से टेक्निकल या लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी लेने से पहले। दोस्तों, इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए ऑडियो सुनते हैं। सर जी नमस्कार, मैं यहाँ नोएडा में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि यहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ। सर, मैं पिछले 2 साल से नोएडा में प्लॉट देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं सेक्टर्स में अथॉरिटी का प्लॉट ले लूँ, लेकिन यहाँ जो रेट था वो अगर मैं कम से कम थोड़ा भी डेवलप्ड सेक्टर में अगर मैं देखूँ तो कम से कम 70,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था प्लॉट का रेट। तो सर, इतना मेरा बजट नहीं था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि थोड़ा कम में मिल जाए, चाहे छोटा प्लॉट मिल जाए, पर सर छोटे प्लॉट सर हाथ ही नहीं आते थे। बिल्डर उनको मतलब कैसे भी ना कैसे करके और महंगी रेट में करके फटाक से निकाल देते थे। सुनने में भी आता था कि सेक्टर 112 में 116 में छोटा प्लॉट अवेलेबल है, लेकिन जब तक उसके लिए हम बात आगे बढ़ाते वो प्लॉट निकल जाता। तो सर, कहीं से भी कोई प्लॉट हाथ नहीं लगा छोटा प्लॉट, और बड़े प्लॉट के लिए तो बिल्कुल भी कहीं कोई बजट ही नहीं था। तब सर मैंने हारी मान करके फ्री होल्ड में मैंने कोशिश करना शुरू किया, और फिर एक मूर्ति चौक के पास में सहावेरी क्षेत्र में मुझे सर एक अनऑथराइज कॉलोनी काफ़ी अच्छी समझ में आई। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो नोवल पार्क नोवल वैली नाम से एक बिल्डर ने बहुत अच्छी कॉलोनी बना रखी है, जिसमें उन्होंने बढ़िया रोड बना रखा है, RCC का रोड है, सीवर कनेक्टेड है, लाइट की सुविधा है और गेट बंद सिक्योरिटी है उसमें सर। तो सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ जा कर के देखा मैंने, और वहाँ बिल्डर ने काफ़ी सारे डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स मकान बना कर के भी बेच रखे थे। तो सर मैंने सोचा कि मैं अपने नक्शे अनुसार मकान बनवाऊँगा, जब भी मेरे पे होगा 1-2 साल में लोन वोन मेरा अप्रूव हो जाएगा तो मैं अभी प्लॉट ही ले लेता हूँ। तो मैंने सर एक 100 गज का प्लॉट ले लिया, 30,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से मैंने वहाँ प्लॉट ले लिया। फिर सर अब जा कर के मेरा लगभग मैंने लिया था 2021 के एंड में मैंने लिया था प्लॉट। अब जा कर के मेरा सर थोड़ा बजट बना है मकान बनवाने का, थोड़ा लोन वोन भी मैं लूँगा। तो सर अब जब मैं वहाँ बनवाने के लिए जा रहा हूँ, मैं बात किया तो सर अभी
वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अथॉरिटी वाले आकर के रोक लगा रहे हैं, पुलिस वाले आकर के मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं बना सकते। और गहराई में जाके जब पता किया तो पता चला कि शाबेरी क्षेत्र पर सन 2013 से यूपी हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है कि यहाँ पर खरीद फरोख्त मना है, यहाँ पर हम मकान निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ज़मीन पूर्ण रूप से अवैध है और इस पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। और भी गहराई में जाके पता किया तब और नई नई बातें पता चली कि यहाँ पर पहले अथॉरिटी ने किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की थी, लेकिन किसानों को जो मुआवजा मिला वो उनको बहुत कम लगा, तो उन्होंने जा कर के हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में जा कर के केस किया और किसानों ने अथॉरिटी से अपनी ज़मीन वापस ली। और कुछ किसानों ने तो मुआवजा वापस कर दिया, कुछ किसानों ने अथॉरिटी का मुआवजा वापस नहीं किया। तो इस चक्कर में अथॉरिटी ने फिर वापस हाई कोर्ट में जा कर के ये केस लगाया कि किसानों ने ज़मीन तो वापस ले ली पर कुछ किसानों ने मुआवजा वापस नहीं किया है, और जिन किसानों ने मुआवजा वापस नहीं किया अथॉरिटी को, उन्हीं किसानों ने वो ज़मीन को लेकर के प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया और प्राइवेट बिल्डर्स ने उस ज़मीन में प्लॉटिंग करके मकान बना करके भोले वाली जनता को बेच दिया। तो इस साबरी क्षेत्र के कुछ कुछ खसरों का मामला ऐसा फंसा हुआ है कि वो कभी सुलझते नहीं नज़र आता है। पर सर, अगर मैं अपने खसरा नंबर 302 की बात करूं तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस किसान को मुआवजा मिला ही नहीं था, उसका ज़मीन का अधिग्रहण हो ही नहीं पाया था, ऐसा सुनने में आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको मुआवजा मिला था और उसने पूर्ण रूप से मुआवजा वापस कर दिया। बहरहाल सर, मेरी स्थिति यह है कि सर, मैंने तो जो प्लॉट ख़रीदा था उसकी पूर्ण रूप से सर रजिस्ट्री हुई, उसका दाखिल खारिज भी है सरकारी रजिस्ट्रों में, उसका रिकॉर्ड नामा भी है, सब कुछ है, सब कुछ भली भांति है सर। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये जानकारी नहीं थी कि कुछ ऐसा स्टेप भी लगा हुआ है। हालांकि मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की थी उस क्षेत्र के, तो उन्होंने भी किसी ने मुझे नहीं कुछ बताया कि यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत है। सब ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो हम भी तो रह रहे हैं, हमने भी तो मकान बनवाया है, कुछ कह रहे हैं हमने तो देखो बिल्डर से ही बना बनाया मकान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, आप ले लो ले लो। तो मैंने ले लिया। अब जब सर मैं यहाँ मकान बनवाने जा रहा हूँ तब सर ये अथॉरिटी वाले आके रोक लगा रहे हैं, पुलिस वाले आके रोक लगा रहे हैं। तो मैंने सर बिल्डर से बात की, मैंने उसको बोला कि भाई आपने तो मुझको ऐसा पहले कुछ बताया नहीं। तो उसने बोला साहब, ये तो नोएडा है, यहाँ फ्री होल्ड के एरिया में ऐसा ही चलता रहता है, पुलिस वाले अपना अलग परेशान करते रहते हैं, अथॉरिटी वाले अलग परेशान करते रहते हैं, वो तो कभी चाहते ही नहीं हैं कि इस तरीके से फ्री होल्ड की कॉलोनियाँ बसें, लोग सस्ते दामों में मकान बना पाएँ, वो ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए आप तो एक काम करो, मुझे 3 लाख रुपये दो, मैं आपका क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दूंगा, आपको फिर कोई आके कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना स्वतंत्र रूप से कंस्ट्रक्शन करवाना। फिर मैंने अपने बिल्डर की बात को वेरीफाई करने के लिए एक पुलिस वाले से भी मिला, उससे मैंने बातचीत की, उससे मैंने पूछा, तो उसने बोला कि साहब आपका ले दे करके मकान तो बन जाएगा लेकिन भविष्य में बुलडोजर ना चले इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो अब सर मेरे अंदर ना एक आत्मविश्वास ही नहीं आ रहा है कि मैं मतलब करूँ तो करूँ क्या मैं, जबकि सर उस एरिया में कम से कम 500 मकान अच्छे खासे बने हुए हैं, 2 मंजिल 3 मंजिला के 100 100 150 वर्ग गज के प्लॉट में बहुत अच्छी अच्छी कोठियां बनी हुई हैं। लेकिन सर एक डर का साया है कि कल को पता नहीं क्या हो जाए। फिर सर अगर मैं आज इसको बेच करके वापस अथॉरिटीज में जाकर के अगर प्लॉट देखूं तो सर रेट्स जस्ट डबल हो गए हैं, जहां 70,000 रुपये वर्ग मीटर का रेट में प्लॉट मिल रहा था, आज वही प्लॉट 1.5 लाख रुपए 1,60,000 रुपए वर्ग मीटर की रेट में मिल रहा है नोएडा में। सर मैं तो तभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैं अब कहाँ से अफोर्ड करूँगा, जबकि मेरे प्लॉट का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है। मेरे प्लॉट का रेट तो जो 30,000 रुपये प्रति गज था वही 30,000 रुपये प्रति गज है, क्योंकि बहुत से लोग लेने में कतराते हैं। अब सर बताइए कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सर बताइए मैं करूं तो करूं क्या सर। सर मैंने प्रॉपर्टी क्षेत्र के कई लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी से भी मुझे कोई सपोर्टिव रिप्लाई नहीं मिला। अभी फिलहाल कुछ हफ्तों से मैंने आपकी यूट्यूब पर जब वीडियोस देखना शुरू किया है तो मुझे आपकी बात सुन करके बहुत राहत मिली और मुझे लगा कि हाँ, प्रॉपर्टी क्षेत्र के किसी जाने माने एक समझदार और एक ज्ञानवर्धक किसी इंसान
को मैंने अब सुना है। आपकी बातें मतलब मुझे 200% सही लगती हैं। तो सर मुझे सर आपकी बात सुन करके एक विश्वास जगा कि हाँ कोई है जो कि एक सही राह दिखा सकता है जनता को, उसका मेहनत का पैसा कहीं गलत फंसने से बचवा सकता है। तो सर आपकी वीडियोस को देख करके मुझे काफ़ी नॉलेज भी मिली, काफ़ी राहत भी मिली। तो सर आप ही के जवाब का मुझे इंतज़ार है कि शायद आपके एक अच्छी सलाह से सर मेरा कुछ भला हो जाए। सर मैं आपका सर हमेशा मतलब आभारी रहूँगा। सर आप मुझे से एक सही सलाह दीजिए प्लीज़। दोस्तों, जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया है, इन क्षेत्रों में, विशेष रूप से इस ऑडियो में सहावेरी क्षेत्र की बात की गई है। सहावेरी क्षेत्र में अब मैं विधिक और जो टेक्निकल स्थिति है वो बताता हूँ। सहावेरी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का नोटिफाइड एरिया का क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जमीनों पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हाईकोर्ट में स्टे चल रहा है। इस स्टे की वजह से जो यहाँ की एक्विजिशन की प्रक्रिया है वो प्रभावित रही है और अभी भी है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कब्जे में नहीं आ पाई है। इस कारण से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कई बार इस जमीन पर बने हुए अवैध निर्माणों को गिराने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने भी इन निर्माणों को गिराने के आदेश दे रखे हैं। दोस्तों, ये क्षेत्र ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत होने की वजह से यहाँ पर कोई भी नक्शा तब तक पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कब्जे में नहीं आ जाती, उनका मास्टर प्लान यहाँ प्रभावी नहीं हो जाता है। और चूंकि किसानों का स्टे यहाँ चल रहा है विभिन्न कारणों से, इस वजह से इस जमीन पर अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कब्जा नहीं हो पाया है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अभी मास्टर प्लान यहाँ प्रभावी नहीं है। इसलिए यहाँ जो भी निर्माण किए जा रहे हैं वो विधिक रूप से पूरी तरह अवैध निर्माण की श्रेणी में है और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरा सुझाव नो है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दो कारण है प्रमुख रूप से। यहाँ पर जो भी निर्माण हुए हैं उनमें मानकों का कोई पालन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ का नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास ना होने की वजह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसको जैसे ही केस खत्म होगा गिराने के लिए इस पे क्रियाशील हो जाएगी और गिराने की कोशिश करेगी। इसी तरह आईआईटी से भी यहाँ जो पहले से अवैध निर्माण के रूप में भवन बने हुए हैं उन भवनों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्वे करा लिया गया है और उस स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्वे में आईआईटी ने इन सभी निर्मित भवनों का जो पहले से सहावेरी क्षेत्र में बने हुए हैं अवैध रूप से, इनको सभी भवनों को, सभी बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरली अनसेफ घोषित कर दिया है कि ये पूरी तरह रहने के योग्य नहीं है, असुरक्षित हैं। क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कई फ्लोर्स, कई फ्लैट्स बनाए हुए हैं और वहां की गलियां 15 फुट 20 फुट छोड़ी गई हैं जिनमें कोई मानकों का पालन नहीं हो रहा है और वैसे भी अथॉरिटी के मास्टर प्लान और कब्जे में नहीं है, इसलिए इन पर कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। और टेक्निकली भी चूंकि ये बिल्डिंग आईआईटी के सर्वे में अनसेफ है, स्ट्रक्चरली ये रहने योग्य नहीं है, इसलिए इनका भविष्य बहुत खराब है और इनको गिराए जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में, सावेरी क्षेत्र में कोई भी भवन, प्रॉपर्टी या फ्लैट ना लिया जाए। अब बात करते हैं छिपियाना बुजुर्ग की। दोस्तों, छिपियाना बुजुर्ग गांव भी गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत है। इस क्षेत्र में भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मास्टर प्लान पूरी तरह प्रभावी नहीं है। कुछ किसानों के स्टे यहाँ पर भी है और कुछ अन्य कारणों से भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस क्षेत्र में अभी नक्शे पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो बिल्डर बना रहे हैं फ्लैट्स या रो हाउसेस में मकान या प्लॉटिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह अवैध हैं और इस क्षेत्र में, छिपियाना बुजुर्ग में भी किसी को भी मेरी सलाह नहीं है कि कोई भी मकान, प्लॉट या फ्लैट लिया जाए, क्योंकि इनका भविष्य भी खराब है और इनको भी भविष्य में तोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं डूंडाहेड़ा की। दोस्तों, डूंडाहेड़ा जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये गाजियाबाद जिले के अंतर्गत स्थित है और इसका जो कार्य क्षेत्र है, ज्यूरिडिक्शन है, वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कोई भी लेआउट पास नहीं किया है। तो जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज का नियम है कि प्राइवेट जमीनों पर भी अगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या किसी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से किसी भी शहर में हो कोई लेआउट पास नहीं है और छोटी छोटी गलियां बनाकर या बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से फ्लैट या रो हाउसेज बनाए गए हैं, वो सारे अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। तो डूंडाहेड़ा क्षेत्र में भी कोई भी निर्मित भवन, प्लॉटेड डेवलपमेंट या रो हाउसेस के अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी लेना आपके लिए सेफ नहीं है
और मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं है कि सहावेरी क्षेत्र में, छिपियाना बुजुर्ग में या डूंडा हेड़ा क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी ली जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी नक्शा पास नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जो भी है वो हमने ऊपर आपको विस्तार से बता दी है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।